बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार तमाम आंखों में आंसू देकर चल बसे। देखा जाए तो दिलीप कुमार के बिना हिंदी सिनेमा का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। फिल्म इंडस्ट्री का एक मजबूत खंभा रहे हैं दिलीप कुमार। मुगले आजम, नया दौर, शहीद, गंगा जमुना, देवदास, राम और श्याम जैसी फिल्मों ने उन्हें अभिनय सम्राट बनाया। जितनी बातें दिलीप साहब की फिल्मों के बारे में होती है, उतनी ही कहानियां उनकी निजी जिंदगी की भी हैं। मधुबाला, कामिनी कौशल, विजयंती माला जैसी अभिनेत्रियों से उनके रोमांस के चर्चे खूब रहे, लेकिन शादी उन्होंने सायरा बानो से रचाई। साल 1966 में जब दिलीप कुमार ने खुद से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की तो जमाना चौंक गया। सायरा बानो अपने दौर की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी। दोनों का मिजाज अलग था, अंदाज अलग था, उम्र का फासला दुगना था, लेकिन जब साथ हुए तो प्यार बेपनाह हुआ। फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब जोड़ियों में से एक हैं दिलीप और सायरा। ऐसा कोई पल नहीं जब दिलीप कुमार बिना अपनी पत्नी सायरा के नजर आए हों। दिलीप कुमार और सायरा की कहानी एकदम फिल्मी है। सायरा चाहती किसी और को थी और उन्होंने शादी किसी और से की। राजेंद्र कुमार को चाहती थी सायरा बानो और जब दिलीप कुमार ने समझाया कि शादीशुदा और दो बच्चों के पिता के चक्कर में मत पड़ो तो तपाक से उन्होंने पूछ लिया, तो फिर आप करेंगे मुझसे शादी? मजबूरन दिलीप कुमार ने हाँ कर दी और फिर 60 के दशक के मोस्ट एलिजिबल बैचलर दिलीप कुमार सायरा बानो के शोहर बन गए। शादी के बाद इस जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। रियल लाइफ जोड़ी फिल्मी पर्दे पर भी हिट रही। दिलीप और सायरा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। 1971 में सायरा बानो माँ बनने वाली थी। उसी दौरान उन्होंने फिल्मों की शूटिंग भी जारी रखी थी। फिल्म विक्टोरिया 203 की शूटिंग के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। शूटिंग के दौरान सायरा बानो गिर पड़ी थी और डिलीवरी के दौरान उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उस वक्त दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। वहीं हादसे के बाद सायरा दोबारा माँ नहीं बन पाई। दिलीप कुमार को हमेशा से औलाद की चाहत थी। यही वजह है कि 1980 में उनकी जिंदगी में आसमा नाम की आंधी आई और कुछ दिनों के लिए उनकी गृहस्थी बहा कर ले गई। दिलीप कुमार के संबंध पहले से शादीशुदा महिला और तीन बच्चों की मां आसमा से बन गए। 30 मई 1980 को सायरा बानो से चोरी छिपे बेंगलुरु में दिलीप कुमार ने आसमा से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार को ये उम्मीद थी कि आसमा उन्हें औलाद का सुख दे सकती है। सायरा बानो को जब ये पता चला तो उन्होंने इसका काफी विरोध किया। इससे सायरा बानो बुरी तरह से सदमे में आ गई थी। सायरा के दबाव के आगे दिलीप कुमार को झुकना पड़ा और उन्होंने आसमा को तलाक दे दिया। कहा जाता है कि ये सब एक साजिश के तहत रचा गया प्लान था। दिलीप कुमार की निजी लाइफ के राज वो अपने जर्नलिस्ट हस्बैंड के सामने खोल रही थी। 1980 के बाद से दिलीप और सायरा की गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चल रही थी। वक्त के साथ सब ठीक हो गया और दिलीप साहब के अंतिम समय तक सायरा बानो ढाल बनकर दिलीप कुमार के साथ खड़ी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।